हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड टिप्स। आज के इस वीडियो में आपको इस वीडियो के एडिटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आज के वीडियो में हम इस वीडियो के एडिटिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपको फर्स्ट वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है, फिर मीडिया में जाना है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना है। पहले मैं इसको चला के दिखा देती हूँ, इस तरह का वीडियो है ये। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड पर जाके कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिर इस कलर वाले पे इफेक्ट पर जाना है, कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है जो आप चेंज करना चाहते हैं। फिर आपको इस पर फुल स्क्रीन कर देना है, फिर इस पर क्लिक करके नीचे जाना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओवरले पे क्लिक करना है, फिर आपका वीडियो का कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। पर्पल था फिर ग्रीन हो गया है, लेकिन मैं इसका कलर चेंज नहीं करना चाहती, ऐसे ही नॉर्मल अच्छा है। फिर आपको इसमें कुछ लिखना है तो आप यहाँ से चाहे तो लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, स्टार्टिंग में यहाँ से लिखना है, टेक्स्ट पर जाना है, फिर आपको कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लेना है, अपना नेम या किसी का भी नेम जो भी आप टाइप करना चाहें वो लिख लेना है। तो मैं ये टाइप कर लेती हूँ इस तरह से। इतना करने के बाद आपको ओके करना है यहाँ पर, फिर आपको ये डबल ए वाले पे क्लिक करना है, इसका साइज बड़ा कर लेना है। डबल ए पे क्लिक करके आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी, मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर लेती हूँ जैसे ये वाला है। फिर आपको चाहे तो यहाँ से आप इस कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं येलो कलर सेलेक्ट कर ले रही हूँ, और नहीं तो आप पिक्सल ऐप से इमेज बनाना चाहते हैं तो भी आप कर लें। और फिर लेयर पे जाके मीडिया में जाके उस इमेज को ले लेना है, अगर आप स्टाइलिश फॉन्ट चाहते हैं तो। इसमें ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट नहीं है, आपको यहाँ से इस तरीके से उस इमेज को ले लेना है, फिर आपको इस इमेज पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन देना है इसको, तो हमें इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, फिर स्केल अप वाला ये वाला निकलता हुआ आना चाहिए, तो हमें यहाँ से की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आगे की तरफ करना है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करके इसे और बड़ा कर देना है, इस तरीके से आप इसको खींच के और बड़ा कर दें। फिर अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आगे के पार्ट को हमें कट कर देना है। आगे हम किसी का नेम लिखना चाहते हैं या जो भी, तो हमें टेक्स्ट पे जाके नेम लिख लेना है, तो मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए बेबी लिख रही हूँ। और उसके बाद आपको इस पे ओके कर देना है, फिर आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको बड़ा कर लेना है, कलर सेलेक्ट कर लेना है, ये नहीं मैं येलो कलर सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इस पर क्लिक करके ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हमें इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसमें हमें एनिमेशन सेलेक्ट करना है, तो अब इसके अलग वाला इन एनिमेशन सेलेक्ट कर देना है, फिर इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। इस तरीके से आपका वीडियो बनेगा। साउंड ऐड करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया में जाना है और कोई सा भी एक वीडियो ले लेना है जो भी आप साउंड ऐड करना चाहते हैं, तो मैं उसको ले लेती हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यही वाला ले लिया है। अब कैंसिल करना है आपको, यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन पे जाके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है, इस वीडियो को डिलीट कर देना है। आपके पास ऑडियो आ गया है, अब इसको ऑडियो के साथ चला के देख लेते हैं। फिर आपको इधर एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है, इस पर क्लिक करना है और कैंची वाले ऑप्शन पे जाना है, ट्रिम करना है और यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप ये वाला वीडियो एडिट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही आसान था और ये वीडियो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आप भी इस वीडियो को जरूर बनाएं और अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।